हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू आवर चैनल तो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे हमारी एन टी ए यू जी सी नडा पेपर वन अक्टूबर 2021 से रिलेटेड जो मॉक टेस्ट सीरीज है उसके मॉक टेस्ट 17 के बारे में तो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो का आप सभी फॉर्मेट जानते ही हैं तो हम डायरेक्ट अपने फर्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं जहाँ पर आज का हमारा पहला क्वेश्चन है टू टेक अप्रोप्रिएट स्टेप्स फॉर द प्रोटेक्शन एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ ह्यूमन इन्वायरमेंट इंडिया पार्टिसिपेटेड एट द यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन दी ह्यूमन इन्वायरमेंट हेल्ड एट स्टॉकहोम इन डैश यानी कि मानव पर्यावरण के संरक्षण और सुधार के लिए उचित कदम उठाने के लिए भारत ने डैश में स्टॉकहोम में आयोजित मानव पर्यावरण पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में भाग लिया फ्रेंड्स ऑप्शन आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं और इसी वीडियो के नीचे कमेंट करके हमें दस सेकेंड के अंदर करेक्ट आंसर बता सकते हैं इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी 1972 सेवेंटी टू अप्रोप्रिएट स्टेप्स उठाए गए यानी कि उचित कदम उठाए गए किसके लिए प्रोटेक्शन के लिए ह्यूमन इन्वायरमेंट के जहां पर इंडिया ने पार्टिसिपेट किया यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन द ह्यूमन इन्वायरमेंट जो कि हुई थी स्टॉकहॉम में

जो कि इसका रिजल्ट है यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन इन्वायरमेंट जो कि हुई थी स्टॉकहोम में जून 1972 में इसका रिजल्ट है यू यानी कि यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंट प्रोग्राम यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंट प्रोग्राम को इस्टेब्लिश किया गया था मॉरिस स्ट्रॉन्ग द्वारा यू मेंबर है किसका यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट ग्रुप का जहाँ पर यू एन ई पी का एम क्या है हेल्प करना वर्ल्ड की ताकि वो अचीव कर सके जो 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं उनको अचीव कर सके देन इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में यू एन ई पी होस्ट करता है सेक्रेट्रियट्स कई मल्टी लेटरल इन्वायरमेंटल एग्रीमेंट्स के लिए और रिसर्च बॉडीज के लिए जिसमें शामिल हैं जैसे कि द कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी

ऑन क्लाइमेट चेंज इन शॉर्ट आईपीसीसी को इस्टेब्लिश किया किसने यू ने और वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ने कब 1988 में देन इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में यू प्रोवाइड करता है मल्टी लेटरल फंड किसके इम्प्लीमेंटेशन के लिए मॉन्टल प्रोटोकॉल की इम्प्लीमेंटेशन के लिए और उसके बाद है यू को इसके ऑल्टरनेटिव नाम से भी जाना जाता है जो है यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंट इन शॉर्ट यू एन और इसका फॉर्मेशन कब हुआ पाँच जून उन्नीस को इसका फॉर्मेशन हुआ किसका यू का और इसका क्वार्टर कहाँ पर है केनिया के नेरूबी में इसका हेड क्वार्टर है और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कौन है करंट यू के इंगर एंडरसन जहाँ पर इंगर एंडरसन को अपॉइंट किया गया था एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर किसका यू का किसके द्वारा यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो ग्रस द्वारा कब फेबर टू में इसके बाद हमारा अगला पॉइंट है यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन दी ह्यूमन इन्वायरमेंट पाँच से सोलह जून के बीच हुई 1972 में इस कॉन्फ्रेंस में कई अलग अलग टॉपिक्स को डिस्कस किया गया था जैसे कि पॉल्यूशन मेरीन लाइफ प्रोटेक्शन ऑफ रिसोर्स इन्वायरमेंट चेंज डिज़ास्टर्स जो कि जुड़े हुए हैं किससे नेचर से या फिर बायोलॉजिकल चेंज से इन टॉपिक्स को डिस्कस किया गया था यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन द ह्यूमन इन्वायरमेंट में इन टॉपिक्स को डिस्कस किया गया था और इस कॉन्फ्रेंस का रिजल्ट क्या हुआ स्टॉक डिकलेशन हुआ और इस्टेब्लिशमेंट हुआ किसका एनवायरमेंटल मैनेजमेंट बॉडी का जिसे बाद में क्या नाम दिया गया यूनाइटेड नेशंस प्रोग्राम इन शॉर्ट नेशन इसके बाद है दिसंबर 1972 में यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली ने इलेक्ट किया किसे मॉरिस स्ट्रोंग को फर्स्ट हेड किसका यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट कि सर्वसम्मति से इन्हें पहला हेड बनाया गया यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंट का एंड शॉर्ट यू का इसके अलावा ये सेक्रेटरी जनरल भी थे किसके 1972 यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन द ह्यूमन एनवायरनमेंट और साथ ही साथ अर्थ समिट हुआ था जो 1992 में उसके सेक्रेटरी जनरल भी थे कौन मॉरिस स्ट्रॉन्ग नेक्स्ट पॉइंट है कई अवार्ड्स प्रोग्राम्स को इस्टेब्लिश किया गया है ताकि रिकग्नाइज किया जा सके जो आउटस्टैंडिंग वर्क है इन्वायरमेंटल के फील्ड में उसको रिकगनाइज किया जा सके ग्लोबल 500 रोल ऑफ ऑनर इनिशिएट किया गया था इसकी पहल की गई थी कब 1987 में और ये कब समाप्त हुआ 2003 में देन इसकी प्लेस पर 2005 में चैंपियंस ऑफ द अर्थ की शुरुआत हुई और साथ साथ एक और सिमिलर अवार्ड की शुरुआत हुई यंग चैंपियंस ऑफ द अर्थ जो कि हर साल दिया जाता है किस को साइंटिस्ट को पॉलिसी लीडर्स को अपकमिंग टैलेंट है जो इंडिविजुअल्स को या फिर ऑर्गेनाइजेशंस को जो काम कर रही है इन्वायरमेंट के एरियाज़ में देन इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थर्ड द इंटरनेशनल ईयर्स करंटली ऑब्जर्वड बाई द यूनाइटेड नेशंस 2010 थाउजेंड टेन वॉज द इंटरनेशनल ईयर ऑफ डैश यानी कि अंतर्राष्ट्रीय वर्ष वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र द्वारा मनाया जाता है 2010 हज़ार दस डैश का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष था 2010 था इंटरनेशनल ईयर ऑफ इनमें से ऑप्शन बी बायोडाइवर्सिटी यानी कि जैव विविधता सबसे पहले हम अपने ऑप्शंस के बारे में बात कर लेते हैं जहां पर हमारे पास ऑप्शंस ए पर था इंटरनेशनल ईयर ऑफ फॉरेस्ट ये था 2011 ऑप्शन बी इंटरनेशनल ईयर ऑफ बायोडाइवर्सिटी ये था 2010 ऑप्शन सी इंटरनेशनल लिटरेसी ईयर था 1990 और ऑप्शन डी इंटरनेशनल एजुकेशन ईयर था नाइनटीन इंटरनेशनल ईयर्स तो ये क्या होते हैं इंटरनेशनल ईयर्स करंटली जो है ऑब्जर्व किए जाते हैं किसके द्वारा यूनाइटेड नेशंस द्वारा यूनाइटेड नेशंस कुछ स्पेसिफिक डेज को वीक्स को सालों को या फिर डिकेड्स को दशकों को सेलिब्रेट करती है यानी कि इन दिनों में कुछ पर्टिकुलर इवेंट्स को और टॉपिक्स को सेलिब्रेट किया जाता है और उन इवेंट्स और टॉपिक्स को प्रमोट किया जाता है अवेयरनेस फैलाने के लिए नेसेसरी एक्शन ले सके या किसी ऑर्गेनाइजेशन के उद्देश्यों को ऑब्जेक्टिव को प्रमोट किया जाता है और ये सेलिब्रेशन होती हैं ये किसके द्वारा डिक्लेयर की जाती है जो स्पेशलाइज्ड एजेंसीज होती हैं यूनाइटेड नेशंस की उनके द्वारा जैसे कि यूनेस्को यानी कि यूनाइटेड नेशंस एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन द्वारा यूनिसेफ यानी कि यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड द्वारा या फिर एफ द्वारा यानी कि फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन द्वारा एटसेट्रा ये सेलिब्रेशन इस तरह की स्पेशलाइज्ड एजेंसीज द्वारा डिक्लेयर किए जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट यूनाइटेड नेशंस। यूनाइटेड नेशंस क्या है गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जिसका एम क्या है मेंटेन करना इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी यानी कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को मेंटेन करना है और ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट और मोस्ट फेमिलियर परिचित और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है यूनाइटेड नेशंस यूनाइटेड नेशंस का पर है यूनाइटेड स्टेट्स के न्यूयॉर्क में और इसकी स्थापना कब हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को यूनाइटेड स्टेट्स के कैलिफोर्निया के सैन फ्रांसिस्को में और यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी जनरल कौन है एंटोनियो गस देन इसके बाद अपने फोर्थ क्वेश्चन पर बताना है मार्क दी करेक्ट कोड विद करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर यानी कि इन एग्रीमेंट्स में जो सबसे पहले एग्रीमेंट लागू हुआ या फिर बना उसी से आपको इस ऑर्डर की शुरुआत करनी है जहां पर नंबर वन है बायोडाइवर्सिटी कन्वेंशन सेकंड पर है क्योटो प्रोटोकॉल थर्ड पर है एन ए पी डबल सी फोर्थ पर है मॉन्टी प्रोटोकॉल और फिफ्थ पर है इंटरनेशनल सोलर अलायंस फ्रेंड्स कोड आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं और इसी वीडियो के नीचे कमेंट करके हमें दस सेकेंड के अंदर करेक्ट कोड बता सकते हैं इनमें से करेक्ट कोड है कोड बी कोड बी के अकॉर्डिंग फोर्थ फर्स्ट सेकंड थर्ड फिफ्थ ये करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है जहां पर सबसे पहले फोर्थ पर क्या है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जिसका है 1989 देन उसके बाद फर्स्ट पर है बायोडाइवर्सिटी कन्वेंशन नाइनटीन क्योटो प्रोटोकॉल नाइनटीन नाइनटी सेवन और इंटरनेशनल सोलर अलायंस तो ये था करेक्ट ऑर्डर देन इसके बाद हम इस क्वेश्चन को थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं नंबर फोर्थ पर था सबसे पहले मॉन्टेल प्रोटोकॉल जो कि ओपन वडा सिग्नेचर के लिए 16 सितंबर 1987 को और कब लागू हुआ 1 जनवरी 1989 से किसके लिए था मोटेल प्रोटोकॉल प्रोटेक्ट करने के लिए ओजोन लेयर को देन इसके बाद हमारे पास नंबर वन था बायोडायवर्सिटी कन्वेंशन यानी कि कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी जो कि ओपन वडा सिग्नेचर के लिए अर्थ समिट में कहां पर रियो डी जेनेरियो में हुआ था 5 जून 1992 को और कब लागू हुआ 29 दिसंबर 19 1993 को देन इसके बाद हमारे पास सेकेंड पर था क्योटो प्रोटोकॉल क्योटो प्रोटोकॉल को अपनाया गया था जापान के क्योटो में 11 दिसंबर 1997 को और कब लागू हुआ 16 फरवरी 2005 से जो कि किसके लिए था रिड्यूस करने के लिए था ग्रीन हाउस गैसों का जो एमिशन होता है उत्सर्जन होता है उसको रिड्यूस करने के लिए था देन इसके बाद थर्ड पर था नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज इन शॉर्ट एन ए पी डबल सी जो लॉन्च किया गया था 2008 से क्लाइमेट एक्शन प्लान क्या है एक डिटेल्ड और स्ट्रैटेजिक फ्रेमवर्क है किसके लिए था मेजर करने के लिए प्लानिंग करने के लिए और रिड्यूस करने के लिए जो ग्रीन हाउस गैसों जो ग्रीन हाउस गैसों का एमिशन होता है यानी कि उत्सर्जन होता है उसको रिड्यूस करने के लिए था उस पर प्लानिंग के लिए था और उसको मापने के लिए था और इसके अलावा अर्जेंट एक्शन लिए जा सके कॉम्बैक्ट करने के लिए यानी कि निपटने के लिए किस क्लाइमेट चेंज से, से जलवायु परिवर्तन से और इसके प्रभावों से इम्पेक्ट से देन इसके बाद हमारे पास लास्ट पर फिफ्थ नंबर पर था इंटरनेशनल सोलर अलायंस जिसकी स्थापना कब हुई 2015 में और किसके लिए था प्रमोट करने के लिए सोलर एनर्जी को और रिड्यूस करना था जो डिपेंडेंस है निर्भरता है फोजल फ्यूल्स पर जैसे कि कोयला है नेचुरल गैस है और तेल है उस पर ये सोर्सेज हैं फोजल फ्यूल्स के इस पर डिपेंडेंस को कम करना था और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फिफ्थ में आपको बताना है इंडिया होस्टेड वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे ओनली टू टाइम्स फर्स्ट टाइम इन 2011 थाउजेंड इलेवन सेकेंड टाइम इन टू थाउजेंड एटीन वट वॉज द थीम ऑफ वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे वेन इंडिया होस्टेड इट फॉर द सेकेंड टाइम इन टू थाउजेंड एटीन यानी कि भारत ने केवल दो बार विश्व पर्यावरण दिवस की मेज़बानी की पहली बार दो हज़ार ग्यारह में और दूसरी बार दो हज़ार अठारह में विश्व पर्यावरण दिवस का विषय क्या था जब भारत ने दो हज़ार अठारह में दूसरी बार इसकी मेजबानी की थी तब इसका थीम था 2018 में जब इंडिया ने होस्ट किया था वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे को सेकेंड टाइम क्या थीम था ऑप्शन बी बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन और फर्स्ट टाइम इंडिया ने कब होस्ट किया था वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे को 2011 में और जब क्या था थीम फॉरेस्ट नेचर एट योर सर्विस और जबकि पिछले साल यानी कि 2020 का क्या थीम था सेलिब्रेट बायोडावर्सिटी और इस साल का वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे का थीम क्या है 2021 का इकोसिस्टम रिस्टोरेशन तो ये थीम है 2021 का वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे का तो फ्रेंड्स ये थी हमारी आज की वीडियो आप हमें इसी वीडियो के नीचे कमेंट करके बता सकते हैं कि आपने टोटल क्वेश्चंस यानी कि टेन क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन को करेक्ट मार्क किया नेक्स्ट वीडियो आपको जल्दी चैनल पर मिल जाएगी सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो